हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू ओदंडी केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए दोसा इडली की प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी दिखाती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे ये रेसिपी के बारे में पूछा था। ये प्रीमिक्स पाउडर बहुत अलग अलग तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका मैं आप लोग के लिए आज मैं दिखाती हूँ। चलो, हाय फ्रेंड्स, प्रीमिक्स पाउडर बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप वाइट राइस। ये मैंने पानी में अच्छा से साफ करके ड्राई करके लिया है। साबुदाना छोड़ के बाकी पूरे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छा से साफ करके ऐसे सुखा के लिया है। ये प्रीमिक्स पाउडर मैंने 2 दिन की बॉटर के लिए बनाते हैं। आप लोगों को चाहिए तो ज़्यादा बना के रख सकते हैं। और हमको चाहिए 1.25 कप उड़द दाल, और चाहिए 1/2 कप साबुदाना। ये सिर्फ मैंने वाश नहीं किया है। एक और इंग्रेडिएंट भी चाहिए, 1/2 टीस्पून मेथी सीड। अभी ये पूरे इंग्रेडिएंट्स हम अच्छा से रोस्ट करके लेना चाहिए। उसके लिए एक पैन गरम करके उसमें मैं पहले राइस डाल के रोस्ट करते हैं। मैंने ये रेसिपी में 2 कप राइस के लिए बाकी इंग्रेडिएंट्स का पूरा मेजरमेंट बोला है। आप लोगों को ज़्यादा बनाने के लिए तो बना के रख सकते हैं। राइस अच्छा से रोस्ट हो गया है, अभी ये निकालती हूँ। बाकी इंग्रेडिएंट्स पूरे मैंने जल्दी रोस्ट करके दिखाती हूँ। प्रीमिक्स पाउडर बहुत अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हैं, और प्रीमिक्स पाउडर की वीडियो में आगे आगे दिखाती हूँ। और आप लोगों को प्योर कोकोनट ऑयल और स्पाइसेस वगैरह कुछ चाहिए तो हमारा shop.odandikerala.in में मिल जाएगा। ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो ऑर्डर करके ले लीजिए। देखिए, पूरा इंग्रेडिएंट्स मैंने रोस्ट करके लिया है। ये थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा था। अब ये मैंने ग्राइंड करके लेके आती हूँ। देखिए, पूरा इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छा से ग्राइंड करके लिया है। एकदम थोड़ा दरदरा से ग्राइंड करके ले लीजिए। अभी मैं कल मॉर्निंग में नाश्ता के लिए रेडी करके रखती हूँ। मेरे बच्चे लोग को डोसा चाहिए करके बोला है। ये सेम प्रीमिक्स में इडली भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा से मिला के लेती हूँ। लम्स वगैरह निकाल के मिक्स करना चाहिए। पहले मैं स्पून से एक बार मिला के देती हूँ, और पानी डाल के स्पून निकाल के मैंने हाथ से अच्छा से मिला के देती हूँ। ऐसे मिलाने के लिए आप लोगों को मुश्किल कुछ है तो मिक्सी में एक बार ग्राइंड करके ले लीजिए, जल्दी मिक्स हो जाएगा। देखिए, अच्छा से मैंने मिक्स किया है। आप लोगों को फर्मेंटेशन के लिए नहीं रखने का है तो सोडा पाउडर डाल के 1 घंटे के बाद बना सकते हैं। मुझे सुबह बनाने के लिए था ना, इसके लिए मैंने नेचुरल फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। बैटर रेडी हो गया है, फर्मेंटेशन के लिए रखती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा प्रीमिक्स पाउडर की बैटर कैसे करके देखती हूँ। देखिए, हमारा बैटर अच्छा से फर्मेंट हो गया है। अच्छा से एक बार मिला के देती हूँ। नमक डालने के लिए भूलना मत। नमक डाल के भी मैं एक और बार मिक्स करती हूँ। अभी मैं ये डोसा के ऊपर लगाने के लिए एक छोटा सा चिल्ली पाउडर की चटनी बनाती हूँ। उसके लिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा घी डालते हैं, और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर भी डालते हैं। टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक भी डाल के अच्छा से मिला के देती हूँ। इतना ही हमारा चिल्ली पाउडर की चटनी रेडी हो गया है। अभी हम डोसा बनाती हूँ। आयन तवा अच्छा से गर्म हो गया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। अभी हम डोसा बनाती हूँ। डोसा 1/2 कुक होने के बाद हम बना के रखा है ना चिल्ली की चटनी, वो डाल के देती हूँ। डोसा के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके दे दीजिए। बहुत टेस्टी है ये चिल्ली चटनी को। हमारा टपियोका का रेसिपी आप लोग देख रहे हैं ना, वो टपियोका के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी है। सिर्फ घी का स्थान में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। देखिए, हमारा प्रीमिक्स पाउडर की डोसा रेडी हो गया है। अभी मैं सादा एक डोसा भी बनाती हूँ। इसमें मैं चटनी वगैरह नहीं लगाते, सिर्फ थोड़ा सा घी लगाती हूँ। देखिए, हमारा डोसा भी रेडी हो गया है। ये चटनी भी आप लोग ट्राई करके देखिए, आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। ये प्रीमिक्स पाउडर ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।